वेल फ्रेंड्स, तो बहुत ही बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ऑल बॉलीवुड फैंस जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, वो सलमान खान के हो या अक्षय कुमार या अजय देवगन या वो शाहरुख खान या किसी के भी फैंस हो। सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि के आर के जी की मैं बात करूँ तो अभी कुछ देर पहले मैंने थोड़ा अपना एंटरटेनमेंट किया और गुड न्यूज़ काउंट का ट्रेलर रिव्यू देखा। वाकई में जनता, आप लोग मतलब वाकई में आप सच बताइएगा, एंटरटेनमेंट करने के लिए जाते हो ना? और वो अगर आप लोगों से मैं पूछूं कि आप लोग, कुछ लोग तो शायद कमेंट सिर्फ पढ़ने जाते हैं, कमेंट पढ़ के हंसते हैं, और कुछ लोगों का मतलब फुल एंटरटेनमेंट करते हैं कि मतलब कुछ लोग, एक कमेंट मैंने पढ़ा कि उसमें ये लिखा हुआ था KRK की कौन मारना चाहता है, और उसमें भी 66 लोगों ने लाइक किया। और वहीं अगर मैं बात करूँ KRK जी को भी, मतलब कोई इतनी अकल नहीं है कि वाकई में गुड न्यूज़ ट्रेलर के आया और उसके रिव्यू बहुत सारे आए, बहुत सारे रिव्यू देखे मैंने, और उसके बाद एक इनका रिव्यू मतलब कुछ अलग ही, मतलब ब्लॉकबस्टर जैसे कि मतलब मिलियंस में, बोलते हैं कि मिलियंस में आप लोग मेरे व्यूज़ देखते हो और आप लोग इतने सब्सक्राइब नहीं करते हो। वाकई में बहुत टाइम से मैंने देखा है उनके 428,000 सब्सक्राइबर ही कर रखे हैं और आप लोग बहुत मज़े ले रहे हो, सच में मज़े तो खूब ले रहे हो। और अगर मैं बात करूं जैसे कि अभी उनका गुड न्यूज़ का जो उन्होंने ट्रेलर रिव्यू किया वो मैं देख रहा था, और पूरा मतलब मैंने एक बार तो पूरा देखा, दूसरी बार देखने की मतलब इच्छा ही नहीं हुई। और उसके बाद उस ट्रेलर के हिसाब से मैंने अक्षय कुमार का एक इंटरव्यू देखा था। उस इंटरव्यू में अक्षय कुमार ने ये बोला था कि ये मूवी एक सब्जेक्ट पे है, एक ऐसा सब्जेक्ट जिस पे आई थिंक उन्होंने एक बुक पढ़ी थी, और उस बुक में 8 मिलियन या 2 मिलियन से ज़्यादा लोग इस जो मतलब टेक्नोलॉजी दी गई है स्पर्म के लिए, बताया गया ये टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आई थिंक इतने लोग अपने घर चला रहे, मतलब अपनी फैमिली को आगे बढ़ा रहे, बच्चों को आगे बढ़ाया है। और उन्होंने एक सब्जेक्ट उठाया है, बताया कि आप लोगों को ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए, और जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि जिनके बच्चे नहीं हो रहे होते हैं या जिनको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आई थिंक उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है देखना कि आगे नॉलेज के लिए मूवी है। तो एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि शायद आप लोग को देख के अच्छा लगे और आप लोग को एक नॉलेज मिले, भले ही आप घर में देख रहे हो या थिएटर में, मतलब इस चीज़ से नहीं है, मतलब इस चीज़ से है कि स्टार मूवी कौन सी उतार रहा है, स्टोरी क्या उतार रहा है। बहुत लोग कभी कभी होता है कि थिएटर तक मूवी देखने नहीं जाते हैं, लेकिन जब वो घर पर देखते हैं तो वाकई में ये लगता है कि ये मूवी हमें थिएटर में देखनी चाहिए थी। लेकिन KRK जैसे लोग ऐसे रिव्यू करके वाकई में मूवी को इतना गंदा बना देते हैं, तो मुझे लगता है कि KRK को जो आप गालियां देते हो पूरी सही देते हो, और मेरे हिसाब से आप लोगों को लगे रहना चाहिए और वॉच करते रहना चाहिए। और एक चीज़ बताइए, क्या आप लोग के लिए मैं KRK के कॉमेंट्स की चर्चा लेकर आऊँ तो आप लोग सुनना चाहोगे? 2 से 4 मिनट की चर्चा अगर आप लोग सुनना चाहते हो तो प्लीज़ एक बार कॉमेंट करके बताना, और ये भी बताना कि वाकई में ये मूवी आने वाले टाइम में मेरे हिसाब से कुछ नहीं तो एक अच्छी मूवी निकल कर आएगी। और ऐसे रिव्यूज़ तो मैं भी देखना नहीं पसंद करता हूँ, आप लोग भी यही बोलते हो, लेकिन कभी कभी चिल करने के लिए देख लेता हूँ। मैं चलता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ, और बाय बाय।